क्या आप अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, साउंड इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं? अगर यस, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा नाम कमाने का मौका मिलता है, बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है, शोहरत होती है, एक ग्लैमर होता है, स्टूडेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को सीखता है, मतलब पूरा लाइफ में फन, मस्ती, ट्रैवलिंग, एक अच्छा लाइफस्टाइल रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं करियर किस किस फील्ड में आप बना सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, सो आप बन सकते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, आप बन सकते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर बन सकते हैं, लाइव साउंड इंजीनियर आप बन सकते हैं, साउंड डिजाइनर बन सकते हैं, म्यूजिक एजुकेटर बन सकते हैं, वोकल्स में अगर आप जाना चाहेंगे तो आप सिंगर बन सकते हैं, वोकलिस्ट बन सकते हैं, म्यूजिक अरेंजर बन सकते हैं, फोले आर्टिस्ट बन सकते हैं, वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। हजारों तरीके के करियर हैं जिसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट की इंटरेस्ट और उसकी नीड के हिसाब से। बहुत ही जॉब ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड और मनी ओरिएंटेड प्रोफेशन है। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपको AFT स्कूल ऑफ म्यूजिक से ही कोर्स क्यों करना चाहिए, उसके मैं 15 रीजंस बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, इसको रन कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इंडिया के, बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार जैसे अनिल कपूर, बोनी कपूर, संदीप मारवा, ये लोग इस इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को रन करते हैं। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की अगर आप बात करेंगे तो साजिद वाजिद है, रंधावा है, बादशाह है, सुखी है, ललित सेन है, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके के प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं, उनके इनपुट, उनकी गाइडेंस में बनाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को पूरा फायदा मिलता है इसकी वजह से। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरा म्यूजिक और फिल्म बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो फैसिलिटीज चाहिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करने के लिए, वो सब अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड एंड ऑडियो स्टूडियोज हैं बहुत सारे, डबिंग स्टूडियोज हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो है, शूटिंग फ्लोर्स है, पोस्ट प्रोडक्शन लैब है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जैमिंग स्टूडियो है, इंस्ट्रूमेंट क्लासरूम्स, उन सब के हिसाब से है, तबला की अलग क्लासेस है, ड्रम्स की अलग हैं, पियानो, कीबोर्ड, गिटार, दरबुका, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, लैब्स रखी हुई हैं। फायदा इससे ये होता है स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग है। जब इतना प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो उनकी जॉब और उनका जो सक्सेस है वो गारंटेड हो जाता है। हमारा अपना रेडियो स्टेशन है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को लाइव प्रोग्राम्स करने का बड़ा एडवांटेज मिलता है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करने का एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को चांस मिलता है रिकॉर्ड करने का और लॉन्च करने का अपने म्यूजिक एल्बम्स को। हमारे इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, 120 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं हमारे साल के अंदर, स्टूडेंट्स को लाइव परफॉर्मेंसेस देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पर जो फैकल्टी हैं बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एप्पल सर्टिफाइड फैकल्टी हैं, इंटरनेशनल भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से। हमारे यहाँ जो मास्टर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं बॉलीवुड के टॉप परफॉर्मर्स जैसे अंकित तिवारी, हंस राज हंस, अशोक मस्ती, ललित सेन, ऐसे ऐसे लोगों की मास्टर वर्कशॉप्स लगती है। उससे फायदा ये होता है, वो लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन का एक जरिया बन जाता है, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंसेस देते हैं हमारे फैकल्टी, पावरफुल नॉलेज देते हैं। हमारे एलुमनाइज की अगर आप बात करेंगे तो थर्ड आई बैंड, जो कि 35 से भी ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुका है, दुबई जैसी प्लेसेस, इंटरनेशनल प्लेसेस पे जाके परफॉर्म करते हैं, ये ऐसे ऐसे बैंड्स हमारे एलुमनाई हैं। बैंड अलादा, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड के अंदर। हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो 3 मंथ्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, हमारे यहाँ 1 ईयर के UG and PG डिप्लोमाज भी हैं,
यूजी एंड पीजी डिग्रीज भी हैं, किस किस फील्ड के अंदर है, क्लासिकल वोकल के अंदर है, इंस्ट्रूमेंटल में इंडियन एंड वेस्टर्न में है, म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर है, साउंड डिजाइन के अंदर है, तो जिस भी तरीके की आपकी नीड है उसके हिसाब से आप हमारी काउंसलर से बात कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका किस तरीके के कोर्स में आपका इंटरेस्ट है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी काउंसलर से बात कीजिए और एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस कोर्स के अंदर इनरोल करने का, हमारी काउंसलर से बात कीजिए।